उधर बड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर असुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह हम भी फैसले से सहमत नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी चूक हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया उन्हें ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर बनाने का काम दिया गया, अगर मस्जिद वहां पर रहती तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती, ये कानून के खिलाफ है। 5 एकड़ जमीन के खैरात की जरूरत नहीं है, मुस्लिम गरीब है लेकिन मस्जिद बनाने के लिए हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं।